भाजपा सरकार सोलन वासियों को लगातार तोहफे पर तोहफे देते जा रही है। पहले प्रदेश के वन मंत्री ने इलेक्ट्रिकल टैक्सी का तोहफा दिया तो भाजपा के प्रत्याशी रहे राजेंद्र कश्यप ने जटौली से समलेच बस सेवा का तोहफा दिया है। पिछले दिन सोलन में ग्रेट खली रिटर्न WWE प्रतियोगिता का आयोजन कर विश्व का ध्यान सोलन पर केंद्रित किया गया। इन सभी प्रतियोगिताओं को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर भाजपा ने तैयारियां आज से ही शुरू कर दी हैं और अपने पक्ष में जनता को करवाने के लिए सोलन वासियों को खुश करने में लगी है। यही कारण है कि विश्वविख्यात जटोली मंदिर व राधा स्वामी सत्संग घर के लिए बस सेवा आरंभ की गई है। इस बस सेवा को पाकर जटोली वासियों में भी काफी खुशी है। भाजपा के प्रत्याशी रहे राजेश कश्यप ने कहा कि जटोली वासियों की पिछले काफी समय से बस की मांग थी। उन्होंने कहा कि जटोली मंदिर विश्व विख्यात आस्था का स्थल है और यहाँ हजारों लोग दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ कोई डायरेक्ट बस सेवा नहीं थी जिसके चलते लोगों को यहाँ पहुंचने में भारी असुविधा का सामना करना पड़ता था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बस सेवा को आरंभ किया है ताकि लोगों और पर्यटकों को यहाँ पहुंचने में कोई असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि इस बस सेवा से सभी धर्मों के लोगों को लाभ मिलेगा। आज हम यहाँ जटोली बाबा के प्रांगण में है और बाबा जी का आशीर्वाद लेकर आज हमने HRTC की एक बस जटोली से समलेच के लिए जो है यहाँ पे उसके लिए हरी झंडी दिखाई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एतवार के दिन सभी लोग अपने धर्म कर्म में जो व्यस्त रहते हैं और उनके लिए सुविधा होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने सोचा कि यहाँ पे जो लोग सोलन से आते हैं या किसी और जगह से भी आ रहे हैं उनके लिए सुविधा दी जाए। ये बस यहाँ से समलेच के लिए जाएगी और दिन में कम से कम 4 चक्कर जो है ये एतवार के दिन लगाएगी। ये अगर आप देखेंगे जटोली से लेकर समलेच तक, जटोली में बाबा जी का यहाँ जो मंदिर है और समलेच में राधा स्वामियों का है, बीच में निरंकारी और गुरुद्वारे भी आते हैं जैसे कि आपका सपड़ून का गुरुद्वारा है, इसलिए लोगों को ये सुविधा जो है बहुत ही जरूरी चाहिए और हमारी सरकार लोगों को इस तरह की सुविधा देने के लिए तत्पर है।